फ्रेंड्स, आज तो लंच बनाने में काफ़ी लेट हो गया मुझे। मतलब 3:30 बज रहा है, ऐसे भूख लगा नहीं था किसी को। सुबह मैं वॉक करके आई ना, वॉक कर रही थी तभी मेरे पेट में हल्का दर्द सा हो रहा था, पता नहीं गैस की वजह से या किस लिए। मतलब मैं घर से निकली ही थी तो हल्का हल्का दर्द हो ही रहा था, और आते आते बहुत तेज़ होने लगा। तो फिर मैं घर आके बैठी रही। अब अंदर वाले रूम में दोनों सोए हुए थे, तो फिर बैठे बैठे मैं भी सो गई। बैठे बैठे नहीं, मतलब लेट ही फिर सो गई। फिर तो मुझे उठने का ही मन नहीं किया, इतना लेट हो गया। हरो तो कुछ चल रहा था, इतना लेट हो गया कि फिर क्या बोले। तो फिर सुबह 11:30 बजे हस्बैंड डोसा लेकर आए, मैं कुछ बनाई नहीं, पता नहीं पेट में दर्द हो रहा था। और फिर अभी मैं बना रही हूँ कटहल की सब्जी। तो ये है कटहल, छोटा सा कटहल था जो कि काट कर ही हस्बैंड कटवा कर ही लाए थे। और इसमें 4-5 आलू मैं डाल रही हूँ जो कि बॉईल कर दी हूँ, यहाँ मसाला को भून रही हूँ अभी। और उसके बाद इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और उसके बाद उसमें डालेंगे। तो बहुत तरीके से बनता है कटहल का सब्जी, ये सबसे इजी तरीका है जो मैं भी बना रही हूँ, जल्दी जल्दी में बना लेते हैं। नहीं तो पहले कुकर में भी डायरेक्ट बन जाता है कि कुकर में ही पहले कटहल को थोड़ा सा भून के मसाला वसा डाल के साथ में भून के और फिर एक सीटी लगा देने से बन जाता है, या फिर बिना बॉयल किए भी बनता है डायरेक्ट कढ़ाई में। तो अपना अपना तरीका है बनाने का, मैं ऐसे ही मोस्टली ऐसे ही बनाती हूँ। और वो एक और तरीका है, मेरे मतलब ससुराल में मेरी जेठानी बनाती है, वो भी किसी से सीखी थी, सामने एक आंटी रहती है उनसे, कि कुकर में ना बहुत सारा प्याज डालते हैं, 4-5 प्याज, और उसी में कटहल को डाल के एकदम सबसे बहुत कम क्या कहते हैं गैस का जो फ्लेम है ना वो बहुत सबसे लो रहेगा, और धीरे धीरे प्याज गलता है और कटहल भी उसके साथ साथ हल्का हल्का गलता है। और उसके बाद बस सूखा मसाला को कढ़ाई में अच्छे से भून के और वो जो पेस्ट मतलब कटहल है और प्याज है उसको डाल के और फिर बनाते हैं, वो बहुत टेस्टी बनता है। तो मैं आज ऐसे बना रही हूँ और जल्दी जल्दी ये बनाऊँगी। साथ में मैं सोची रोटी बनाऊँ, तनिषा तो खा ली है और हम दोनों नहीं खाए हैं क्योंकि डोसा खाए थे ना बहुत लेट, तो पेट भरा हुआ था। तो फिर मैं सोची कि दाल चावल अब क्या बनाऊँ, छोड़ो सब्जी ही बनाती हूँ और रोटी, तो इसी को बना रही हूँ फिलहाल। और हो सके तो मेरा मन है कि ना हॉल में एसी लगाने का, तो देखते हैं अगर हस्बैंड जाएंगे तो सेक्टर 4 में एक दुकान है वहाँ जाकर देखेंगे हम लोग। और नहीं तो ये तो बोल रहे हैं कि ऑनलाइन ही मंगवा लेते हैं फ्लिपकार्ट से, कि किससे बोल रहे हैं। मतलब हॉल में गर्मी लगता है, अभी मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ है बोकारो में तो अच्छा, मतलब बैठ पा रहे हैं हॉल में, वरना बैठा नहीं जाता है हॉल में, इतना गर्मी लग रहा है। तो देखिए क्या होता है, अभी सोच रहे हैं कि खाकर और तनिषा ट्यूशन चली जाएगी तो 1-1.5 घंटे का टाइम बचता है, तो उस बीच में जाकर देख के और ऑर्डर कर दे या जैसा भी होता है, आप लोग व्लॉग में दिख ही जाएगा। तो फटाफट से मैं बनाती हूँ अपना लंच और फिर मिलते हैं आपसे। तो अभी खाना पीना हम लोगों का हो गया है और काम करने वाली जो आती हैं दीदी, मैं सोची ना कि उनके बच्चे हैं छोटे छोटे तो कुछ केक दे दूँगी, तो वही केक बचा हुआ था। पता नहीं मुझे इस केक का ना टेस्ट एकदम अच्छा नहीं लग रहा था, मैं खाई ही नहीं, बिल्कुल नहीं खाई, एकदम तनु थोड़ा सा खिलाई तो भी मुझे मन नहीं किया खाने का। तो कल का टेस्ट पता नहीं केक का ना, मुझे लगता है कि बहुत ऐसे जहाँ से लेकर आए थे वो बहुत मतलब नामी दुकान है इधर जहाँ हम लोग रहते हैं बोकारो में, काना बेकरी करके है, बहुत अच्छा वहाँ का केक काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन पता नहीं कल का केक उसका जो अंदर का जो ना बेस होता है ना वो चिपचिपा सा लग रहा था, वो मुझे लगा कि बहुत अच्छे से नहीं पका है। और वैसे भी आप लोगों को तो मैं बराबर बोली हूँ कि मुझे क्रीम वाला केक पसंद नहीं है, मैं घर में ही बनाने वाली थी लेकिन पता नहीं कल मुझे मन नहीं किया, तो तनिषा भी बोले कि बाहर से ही ले आते हैं। नहीं तो घर का जो केक होता है ना वो तो हम लोग बहुत पसंद से खाते हैं, और ये वाला मुझे पता नहीं, ये क्रीम मुझे अच्छा नहीं लगता है उतना ज़्यादा। तो अभी दे दिए उनको लंच बॉक्स में, 2 बच्चे हैं तो वो लोग खा लेंगे, और इनको मैं दे दी प्लेट में कि आप खा ही जाइए, वो बच्चे लोगों के लिए है। और जा रही है शायद वो। हेलो फ्रेंड्स, अभी ना मतलब शाम का टाइम हो रहा है और पता नहीं अचानक ना मैं बैठी हुई थी और इनको मैं कॉल करी थी तो ये बिजी थे, मीटिंग में थे, तो
मैं सोची कि यार क्या करूं, बैठे बैठे समझ में नहीं आया था। तो ये ड्रेस जो आप लोग देखे होंगे, मैं रील वगैरह बनाई थी और फोटो वगैरह ली थी, तो अचानक मुझे मन किया कि चलो इस ड्रेस को पहनती हूँ और कुछ इनके ऊपर ना एक प्रैंक करती हूँ। तो प्रैंक क्या मैं की हूँ वो जाके आप प्रैंक चैनल पे देखिए। लेकिन बहुत मजा आया, इनका रिएक्शन जो है ना वो गजब का था। लोगे काट देंगे समझे, उड़ मेरे जितना उड़ना है बस। हाँ, कुछ दिन की बात है। क्या कुछ दिन की बात है? कुछ दिन की बात है बस। फिर क्यों, फिर कहाँ रहेंगे हम? हम जा रहे हैं विदेश। आप विदेश क्यों? गल्फ कंट्री में नौकरी करने जा रहे हैं। तो हम भी जाएंगे। आपका घर में जाइएगा, वहाँ पे आपको नौकरी तो मिल ही गया, यहाँ पे 2 लाख महीना। आप यहाँ उड़ाइए, हम वहाँ उड़ाएंगे। बकवास मत कीजिए, देश की करेंगे। थोपड़ा दिखे हैं हमको, चमगादड़ बोलते हैं। आप क्या है जी? हाँ दिखिए, इधर मुड़िए, चश्मिस और चश्मिस। चमगादड़ किसको बोलते हैं? चमगादड़। अब चमगादड़ वाला हेयर स्टाइल नहीं है मेरा, जो पहले चमगादड़ बोलते थे ना, ब्राउन। हेयर स्टाइल नहीं चमगादड़ लगता है क्या? हैं? ड्रेस पहनी है चमगादड़। आप तो फ्रॉग लगते हैं। फ्रॉग हम तो हैं। फ्रॉग फ्रॉग को कौन नौकरी देगा? उछल कूद करते रहता है फ्रॉग, इधर से उधर इधर से उधर, एक जगह स्थिर ही नहीं रहता है। अपना अपना काम होता है, फ्रॉग को भी नौकरी मिलेगी। किसी को नौकरी मिलेगा? जो मिलेगा देख लीजिए। जाइए ना कौन कंट्री में, वहां पास ले जाके आपको छील के खा ही जाएगा। छील के खा जाएगा? बाप रे बाप, मुर्गा है नहीं कि छील के खा जाएगा? नहीं देखते नहीं है फ्रॉग को कैसे छील के और उसमें तेल उल क्या क्या डालता है, चाइना कंट्री कौन वाला, एकदम ऐसे रहता है, एकदम तन जाता है। इतनी को तो रहे कर, खाइए जाएगा समझे। आप भी उंगली चाटने आ जाइए। हम नहीं खाते हैं फ्रॉग। खा लीजिएगा फ्रॉग? ना ना। क्या हुआ इधर देखिए, कैसा लग रहे हैं जी? भूत जैसा। हाँ यही बोलने वाले थे। तो है भूत तो लगेंगे नहीं, वो धूप में आजकल घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं धूप में, लगेंगे नहीं वैसे। आपके तो थोड़े एसी में एकदम झमकोवा ड्रेस पहन के चमकते रहते हैं। आप काम कीजिएगा तभी तो हम चमकेंगे ना, आप काम नहीं कीजिएगा तो हम थोड़ा चमकेंगे, फिर तो मेंटली स्ट्रेस में हम आ जाएंगे। चमकिए। हाँ तो आदमी लोग काम करना चाहिए और बीबी लोग को चमकना चाहिए समझे। सेविंग तो किया हुआ ही ले सकल आपका। काला है ना, बिल्कुल ज्यादा लग रहा है आजकल। सकल कहाँ काले लग रहे हैं, जब गोरे लग रहे हैं। सब धूप से एकदम पूरा जो जल गया है स्किन। ओरिजिनल कलर ये है सर। हाँ हाँ समझ में आ गया, और भी कुछ दिखा दीजिए तो ओरिजिनल कर दीजिएगा। ओरिजिनल कलर ये है। क्या ये ओरिजिनल कलर? अरे आप एकदम दूर जैसे गोरे हैं जी, हमको पता है। कलर देख रहे हैं घड़ी खुली तो, जहाँ धूप पहुँचता ही नहीं वहाँ कलर देखिए। अगर हम 24 आवर एकदम छाँव में रहें, एकदम एसी में रहें। तो रहते थे ना नोएडा में। देखिए वहाँ का चेहरा निखार देख रहे हैं। वो निखार से ना कुछ नहीं होगा समझे, हमको यही निखार ठीक लगेगा जब आप पैसे कमा के लाइएगा अच्छा से। तो गाय के लिए बकवास कर रहे हो तुम? तो वो वाला निखार कोई तो, वो नहीं है बीबी लोग। तो फिर काहे बोल रहे भूत लग रहे हैं? बोलिए ब्लैक डायमंड लग रहे हैं। हाँ ब्लैक डायमंड लग रहे हैं। ब्लैक चेहरा और दांत चमक रहा है, लो ब्लैक डायमंड हो ही गए ना। तो ना ऐसा प्रैंक करने में मुझे भी बहुत मजा आता है, जब इनको ना गुस्से से पारा हाई हो जाता है तो मजा आता है। मतलब मेरा हाथ नहीं खुला हुआ है, वरना नहीं तो इतना चमड़ा का बेल्ट जो है ना बड़ा बढ़िया है ये वाला जो है। समझे कहना क्या चाहते हैं? हाथ सेट सेट आवाज करता है। तो अगर सेट सेट चलता ना तो आप यहाँ नहीं रहते घर में एसी के नीचे, आपको भी सेट सेट कोई मारते रहता। और उससे बेल्ट से नहीं, लाठी को ना तेल एकदम सरसों के तेल में रगड़ रगड़ के तब समझे। क्या समझे? समझदारों को इशारा ही काफी है। तो चलिए फ्रेंड्स अभी आए हैं तो चाय वाय में दे दूं उनको चाय नाश्ता, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो आज बहुत दिन के बाद लेकर आए हैं ये गोलगप्पा। तनु का तबीयत जो खराब हुआ था ना उसके बाद गोलगप्पा इसे बाहर का सामान आ नहीं रहा था, तो आज काफी दिन के बाद आया है तो हम लोग खाते हैं। खोली तो तबीयत ठीक, फिर से खराब नहीं। हम आपको साफ साफ मना किए थे ना, रस मल नहीं ठीक हो गया नहीं, फिर साफ साफ मना नहीं किए थे। तनु साउंड कम करना बेटा।
हम बोलते ना कि बाहर का कुछ नहीं लेकर आना है। अब वो अगर आपको जाके पटा रही है, मना नहीं किए थे, हम बोले गुपचुप ले ले। नहीं आप हमको बोले, हम बोले कहाँ जा रहे हैं, नहीं हम बोले आप कहाँ जा रहे हैं, तो बोले कि गोलगप्पा के लिए बोल रही है, तो बोले कि घर खाना है, तब हम बोले। जब जा ही रहे हैं आप उसे खिलाने के लिए, तो मैंने पूछा गोलगप्पा खाने जा रहे हैं, कैसे निकल रही मसाला से नीचे खिला रहे हैं एक और प्लेट थाली। यहाँ पर ये रस मलाई रखा हुआ है, मतलब बहुत सारा रस मलाई कल लेकर आए थे, लेकर क्या मतलब आया था घर में, तो वही हम इसको बोले कि खा लो, इसमें रोटी भी रखा हुआ था, तो शाम में खाए हैं 4:30 बजे, रोटी एक्स्ट्रा बना दे देंगे, खा लेगी सब्जी रोटी और मिठाई खाना है, जो भी खाना है, तो मिठाई खाई, मिठाई से थोड़े पेट भरेगा। ये कैसे दिया है पेपर में रखिए, इसको यही सब पसंद है। चलिए हम लोग खाते हैं। तो फ्रेंड आज के ब्लॉग में बहुत कुछ और नहीं है जो मैं अभी डालूं, और अभी हस्बैंड जो है वो फेसबुक पे लाइव कर रहे हैं, फेसबुक पे भी पुनीताज लाइव करके मेरा चैनल है, तो उसको जाइए वहाँ पर हमें फॉलो कीजिए, और वहाँ पर भी हमारा वीडियोस को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि जल्द से जल्दी फेसबुक पे भी हमारा जो पेज है वो मोनेटाइज हो जाए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और फ्रेंड्स प्लीज़ मतलब फेसबुक पे भी जाके हमारे पेज को फॉलो कीजिए, जिससे कि वहाँ पर भी जो हमारा मोनेटाइज हो जाए जल्दी से जल्दी पेज। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।